दोस्तों नमस्कार। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में स्थित टांडा कोतवाली क्षेत्र के चौक मोहल्ले में एक महिला को लड़की पैदा होने पर उसके ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। इसी बीच लड़के ने दूसरी शादी कर ली। पीड़ित महिला नेहा अग्रवाल का आरोप है कि उसके पति ने मंदिर में दूसरी शादी कर ली। जब उसे इसकी जानकारी हुई तो टांडा घर आई तो पति ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इस महिला के साथ उसकी दो मासूम बेटियां भी साथ में थी। ये बच्चियां बार बार अपनी माँ के रोने पर रोने लगती थी, लेकिन इसके बाद भी परिवार के लोगों का दिल नहीं पसीजा। आइए सुनते हैं पीड़ित महिला ने क्या कहा। ये हमको टरका दो लड़की होगी इसलिए लेने नहीं आ रहे हमको। इतना साथ से कह रहे समझौता करते नहीं कर रहे, उल्टा सीधा यहाँ पर नाम कर रहे हैं। करे दो लड़की हो गई, हम नहीं पालेंगे, बोझ लग रहे। करे मेरे जमींदार लोग, हमको लड़का चाहिए। करके हमको बताए हुए 5 साल से बच्चे को अपने पैसे से पाल रहे, रहने का ठिकाना भी नहीं है। अब धीरे से शादी कर लिया जाके बनारस के मंदिर में। अभी हम जबरदस्ती घुसे थे अंदर, लड़की और लड़का थे बैठे हुए। आइए निकाले यहाँ से, खून निकलना, निकाल दिए घर से बाहर हमको। करे तुम बाहर यहाँ घर के अंदर नहीं आ सकती हो। दो लड़की को निकाल के तो लड़का लेके आए हैं दूसरे को लेकर। एक बच्ची 8 साल की, एक बच्ची 5 साल की है। समझौता नहीं कर रहे हैं, पैसा भी 5 साल से बच्चे को पैसा कर रहे। लड़की है, हम पैसा नहीं देंगे, बोझ कर रहे हैं। अपने पैसे से पालो। अब हम मेरी शादी हुई थी 25 लाख का दहेज लिए हमसे। अब कह रहे की अपने मन से शादी नहीं की है तुमसे, माँ के कहने भी किए थे। अब फिर दूसरी लड़की चक्कर चला रहे हैं, हम लोग का झगड़ा और दूसरी लड़की से फिर लड़की चक्कर चला रहे हैं। अब फिर साल भर हो गया शादी हुए, 4 महीना पहले लाके रख दिए। पीछे के दरवाजे से जाते हैं, स्कूल बस आता है यहाँ पे लड़की को छुड़ाते हैं। हम बच्चों को अपने पर बूटे, मेंटेनेंस हुआ है, मेंटेनेंस का 7,000 रुपया हुआ है बच्चे का। तो इलाहाबाद में इसलिए लगा दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है बच्चे को देने के लिए। एक तरफ केंद्र के मुखिया नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिलाओं को सम्मान देते हैं, वहीं दूसरी तरफ बेटी पैदा होने की सजा एक अबला को दी जा रही है। यह पीड़ित महिला जिस तरह से रो रही थी, इससे इधर से गुजरने वालों का दिल पसीज गया। लोग महिला के रोने की करुण पुकार सुनकर अपने कदम रोक ले रहे थे। देखते ही देखते टांडा चौक मोहल्ले में आस पास के नेताओं, समाज सेवियों तथा इधर से गुजरने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसी बीच किसी ने इस महिला के रोने की सूचना टांडा कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस पीड़ित महिला को कोतवाली ले गई, जहां पुलिस ने महिला का मामला न्यायालय में होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और थाने व कोतवाली के महिला दरोगा और महिला सिपाहियों के माध्यम से भीड़ भाड़ वाले स्थानों व सार्वजनिक स्थानों पर भेज कर आने जाने वाली महिलाओं को जागरूक करती है। आपने इसको देखा भी होगा, आपके क्षेत्र में भी जब त्यौहार होते हैं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कुछ महिला सिपाही महिलाओं को रोक कर उन्हें जागरूक करती हैं। आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार ये महिला सिपाही महिलाओं को रोक कर उन्हें अपराधों के बारे में जानकारी देती हैं और उन्हें बताती हैं कि उत्पीड़न की शिकायत से संबंधित विभिन्न प्रकार के फ़ोन नंबर भी उनको देती हैं ताकि उत्पीड़न होने पर वो फोन कर सके। लेकिन जब पीड़ित महिला की बात आती है तो थाने और कोतवाली वाले किस तरह मामले को टरका देते हैं। क्या पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा, इसका उत्तर जानने के लिए सभी बेताब हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।